चीते शीते और जानवर भी आने के चांसेस हैं। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे और अजीज दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के शकरपनिया के मुकाम पे, जहाँ पे एक नया जंगल ट्रैक यानी कि साइकिल ट्रैक ओपन हुआ है। और अभी इस वक्त मैं आपको यहाँ की सैर करने लगा हूँ, तो आइए और यहाँ का ट्रैक इन्जॉय कीजिएगा मेरे साथ। और वैसे तो अभी मौसम भी इस्लामाबाद का बहुत ही सुहाना है, इस्लामाबाद वैसे भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब यहाँ पे बारिश होती है तो और इस पर चार चांद लग जाते हैं। तो आइए आपको इस ट्रैक का विज़िट करा दें। जी व्यूअर्स, ये है स्टार्टिंग पॉइंट ट्रैक का, शकरपनिया लोकवरसा से कोई एक डेढ़ किलोमीटर आगे ये ट्रैक अभी रिसेंटली इनोग्रेट हुआ है, सीडीए वालों ने भी इनोग्रेट किया है। तो आइए आपका यहाँ का आपको विज़िट करा दें। इस ट्रैक तक जाने के लिए अगर आप रावलपिंडी सदर से निकलते हैं तो बजरिया मरी रोड से आप फैज़ाबाद की तरफ टूवर्ड इस्लामाबाद एक्सप्रेस जाएंगे और वहां से आप शकरपनिया लोकवरसा जा सकते हैं। आप गूगल मैप के ज़रिए भी बासानी यहां पहुंच सकते हैं। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत मौसम है इस्लामाबाद का। वाह क्या सीन है। और ये ट्रैक भी बहुत ही अमेजिंग और खूबसूरत बना है, आप देख सकते हैं। लाजमी इधर जब भी आप आए तो इसको विजिट करें। इंजॉय द नेचर जंगल ट्रैक फॉर साइकिलिंग एंड वॉकिंग एट शकरपनिया इस्लामाबाद। अभी रिसेंटली ये ट्रैक ओपन हुआ है और ये देखें, और ऐसे मौसम पे तो साइकिलिंग करना तो बनता है। ये देखें व्यूअर्स, वाओ माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक, और ऐसे मौसम पे तो यहाँ आना बनता है बॉस। सेफ है, फैमिली के साथ आ सकते हैं। अभी मैं अपने बच्चे के साथ भी आया हूँ, तो यहाँ पे आपको परिंदों और तितलियाँ, परिंदों की आवाज़ें सुनाई देंगी। तो थोड़ी देर के लिए खामोशी अख्तियार करते हैं और आपको सुनाते हैं यहाँ का व्यू और मौसम। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, और इस ट्रैक पे आपको परिंदों की चहचहाने की और तितलियाँ और ये ही कुछ आपको मिलेगा नेचर के साथ। आप कभी कभी नेचर को देखने के लिए
यहाँ लाजमी विज़िट करें, अपने फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। बहुत ही सेफ और पुरसकून इलाका है। तो आइए आपको मैं यहाँ का विज़िट कराता हूँ। जी व्यूअर्स, पिछला जो ट्रैक पिछला स्टार्टिंग में तो सीमेंटेड ट्रैक बना हुआ था साइकिल के लिए, बट आगे जो ही मैं जा रहा हूँ तो तकरीबन राउंड अबाउट 1 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद मुझे ट्रैक ऑफ रोड मिला है साइकिल के लिए। साइकिल जा भी सकती है बट सीढ़ियों वालों को चाहिए था कि एटलीस्ट ये जो सीमेंटेड ट्रैक है वो आगे तक बनाते तो ज़्यादा अच्छा होता। हो सकता है फ्यूचर में उनका हो इरादा, लेकिन जब आदत आपने सीमेंटेड बना लिया है तो अगर आगे तक भी बना लेते तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। खैर मौसम बहुत ही अच्छा है, तो आइए आपको उस ट्रैक को इन्जॉय करते हैं। यहाँ पे एक बीच में एक उस तरफ भी एक ट्रैक गया हुआ है छोटा सा, लेकिन आपने इस तरफ नहीं जाना, आपने स्ट्रेट जाना है। और बाय द वे ये जो ट्रैक है ये एंड होगा कश्मीर हाईवे श्रीनगर हाईवे पे। Never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise. Viewers, मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस ट्रैक का नाम जंगल ट्रैक है, और वाकई ये जंगल ही लग रहा है। दरख्त ही दरख्त हैं, खूबसूरत मौसम भी है इस्लामाबाद का। तो पीछे आप देख सकते हैं जंगल ट्रैक, और ये जंगल भी है। और वैसे यहाँ पे चीते वगैरह भी आ सकते हैं, तो लेकिन वैस मजाक कर रहा हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। सेफ है बिल्कुल, आप आए यहाँ पे। चीते तो यार DHA में भी आए हैं इस्लामाबाद के, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था। बहरहाल मैं तो यहाँ आता रहता हूँ, और यहाँ नेचर के साथ एक खामोशी है, खूबसूरत सा ट्रैक है, परिंदे हैं, और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। तो सीढ़िया वालों के लिए थम्स अप हो जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छा एग्जाम उन्होंने उठाया है कि यहाँ पे एक साइक्लिस्ट के लिए एक ट्रैक बनाया है। अभी इस वक्त बारिश स्टार्ट हो गई है फिर से, और इसलिए मैं वापसी का मोड रुख कर रहा हूँ। बारिश भी कोई पता नहीं तेज़ हो जाए, इस्लामाबाद की यही तो एक खूबसूरती है कि इतनी सख्त गर्मी में और इस तरह का मौसम आपको मिले। तो सुभान अल्लाह, आप चेक करें, बारिश को इन्जॉय करते हैं। आइए आपको हमारा पाकिस्तान इस्लामाबाद शकरपनिया का मुकाम है ये, और बारिश यहाँ पे हो रही है। वैसे बारिश में
साइकिलिंग का अपना एक मज़ा है, और जब ऐसे खूबसूरत जगह पे आप जब साइकिलिंग करें तो मज़ा ही कुछ और, साथ में बारिश भी हो रही हो। जी व्यूअर्स, तो कैसा लगा मेरा मजाक नहीं ये व्लॉग? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब का बटन दबा दें अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद खूबसूरत जगहों की आपको व्लॉग्स दे सकूं। सांस चढ़ा हुआ है, वापसी का टाइम हुआ चाहता है। अल्लाह हाफिज़।